रविंद्र जडेजा के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग ने पंजाब किंग से पिछली लगातार 5 हार का बदला लेते हुए आईपीएल 2024 के 53वें मैच में उसे 28 रन से हरा दिया। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए चेन्नई को 9 विकेट पर 167 रनों पर रोक दिया, लेकिन फिर खुद निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग की 11 मैचों में यह छठी जीत है और वह अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन पंजाब किंग को 11 मैचों में 7वीं हार का सामना करना पड़ा और वो अंक तालिका में 8वें नंबर पर स्थित है। अगर मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने अजिंक्य रहाणे का विकेट आसानी से गंवा दिया, वह केवल 9 रन ही बना सके। इसके बाद डैरेन मिचेल ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर 32 गेंदों में 57 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को राहुल चहर ने तोड़ा, उन्होंने अपने इस ओवर में लगातार 2 गेंद पर ऋतुराज और फिर शिवम दुबे को पवेलियन भेजा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रन की पारी खेली। वहीं दुबे लगातार दूसरे मैच में भी खाता नहीं खोल सके। दुबे के पीछे पीछे डैरेन मिचेल भी 19 गेंद में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाकर आउट हो गए और फिर मोइन अली भी 17 और मिचेल सेंटर ने भी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शार्दुल ठाकुर ने भी रविंद्र जडेजा का साथ नहीं निभाया और वह भी 11 गेंद में 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि रविंद्र जडेजा ने एक छोर संभाले रखा और 26 गेंद में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 43 रन की पारी खेली। वहीं महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में खाता भी नहीं खोल सके और अंत में चेन्नई सुपर किंग 167 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से इस मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज राहुल चाहर और हर्षल पटेल रहे। दोनों गेंदबाजों ने अपने 4-4 ओवर के कोटे में क्रमशः 23 और 24 रन खर्च करते हुए 3-3 सफलता प्राप्त की। इन दोनों गेंदबाजों के अलावा अर्शदीप सिंह को 2 विकेट हाथ लगी, जबकि कैप्टन सैम करन ने 1 विकेट चटकाया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत भी खराब रही। तुषार देशपांडे ने अपने पहले ओवर में जॉनी बेयरस्टो और रायली रूसे को बोल्ड कर दिया। इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह और शशांक सिंह ने तीसरे विकेट के लिए 36 गेंद में 53 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को मिचेल सेंटनर ने तोड़ा, उन्होंने शशांक को सिमरजीत के हाथों कैच कराया। शशांक 20 गेंद में 4 चौके की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इसके बाद जडेजा का कहर देखने को मिला, उन्होंने प्रभ सिमरन सिंह, सैम करन और आशुतोष शर्मा को पवेलियन भेज दिया। प्रभ सिमरन सिंह ने 23 गेंद में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 30 रन की पारी खेली। वहीं सैम करन 7 रन और आशुतोष शर्मा 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे सिमरजीत सिंह ने जितेश शर्मा और हर्षल पटेल को पवेलियन भेजा। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने राहुल चहर को आउट करके पंजाब की कमर तोड़ दी। अंत में पंजाब की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और 20 ओवरों में 139 रन ही बना पाई। सीएसके की तरफ से इस मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज भारतीय अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रहे। उन्होंने अपनी टीम के लिए 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 20 रन खर्च करके सर्वाधिक 3 सफलता प्राप्त की। उनके अलावा तुषार देशपांडे और सिमरजीत सिंह ने 2-2 विकेट, जबकि मिचेल सैंटनर और शार्दुल ठाकुर ने 1-1 विकेट चटकाया और रविंद्र जडेजा को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।